Hey guys, I hope you are doing well. So today we are talking about online exams, and just like some students are present time in this strike in many colleges and universities. Okay, तो इसके बारे में आज अपन चर्चा कर लेते हैं. बहुत सारे बच्चे यार परेशान कर रहे हैं, भैया कुछ करो कुछ करो, यूनिवर्सिटियों में तो डाल दिया, आप क्या करें, ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, सॉरी ऑफलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन देना है हमें. और सोशल मीडिया को उठा के अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर सारे के सारे बच्चे यही रिक्वायर कर रहे हैं कि भैया ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो. और ये सॉल्यूशन जो प्राइवेट वाले हैं उनका इजीली हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट वाले जो है ना वो ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं नहीं, और यानी कि जो डायरेक्टली अपना जो है मेन बॉडी होती है, जैसे जिसको जस्ट लाइक अपना इंटरमीडिएट चलाती है वो यूनिवर्सिटीज. तो ठीक है, अब जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर कुछ लल्लू लाल कॉलेजेस होती हैं, और अपन बात करें जैसे आईआईटी है, एनआईटी है, आईआईएससीआर, आईआईएसटी, ये तो ऑलमोस्ट 2 साल से ऑनलाइन चल रही हैं, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. ठीक है, जो लल्लू लाल कॉलेजेस हैं या फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, छोटे कॉलेजेस हैं, तो आज से 2 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले तक बच्चों को ये लग रहा था कि यार ओमिक्रॉन आ रहा है, पिछले साल की तरह फिर से ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन अब कुछ चांसेस लग नहीं रहे. ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेजेज हैं, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, यूपी हो, तो सारे के सारे बच्चे प्रोस्टेट कर रहे हैं यार वहाँ पे स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं कि एग्जाम ऑनलाइन ही देंगे. क्यों अब ये ऑनलाइन क्यों दे रहे हैं, जब क्लासे ऑफलाइन लग रही है तो आपको ऑनलाइन एग्जाम क्यों देना भाई, क्लासे तो ऑफलाइन लगा रहे हैं, टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो फिर तुम्हें ऑनलाइन एग्जाम क्यों देना है. कि इसका एक मोटिव ये है कि जो बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है वो डायरेक्टली 12th का ऑनलाइन देके आए हैं, तो उनको भर भर के मार्क्स मिले हैं 12th की मार्कशीट के अंदर. जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर के अंदर है उनको भी भर भर के मार्क्स मिले हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि ऑनलाइन हुआ था ड्यू टू कोविड चचा. ओके, अब जो है ना ऑनलाइन के अंदर क्या हुआ था, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी सारे के सारे तो सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं नहीं, गूगल फॉर्म देते हैं, गूगल फॉर्म जस्ट अपने दोस्त के पास जाते हैं बच्चे. बहुत सारे बच्चों से कंसल्ट करता हूँ तो पूछता हूँ इतने मार्क्स आए कैसे, तो कुछ नहीं ऑनलाइन से आ गए, गूगल तुम्हारा दोस्त था क्या, यस. तो बहुत सारे बच्चों का गूगल फ्रेंड है. ठीक है, तो इसी माध्यम को ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चे फिर से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं कि भैया ऑनलाइन ही देना है हमें, वरना तो फेल हो जाएंगे, राइट. तो इसका मेन मोटिव यही है कि बहुत अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि बच्चे पढ़ाई लिखाई तो करते हैं नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो और देश को संभालो. ठीक है, अब 2 ऑप्शन है बच्चों के पास, एक ऑनलाइन है एक ऑफलाइन है. ओके, और ऑलमोस्ट मतलब कॉलेजेस वैसे ऑफलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे मुंबई वगैरह में भी बंद हो गए, वापिस दिल्ली में बंद है वैसे, और जैसे झारखंड है, पंजाब है, पंजाब के अंदर तो हमारे आसपास कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बोल रहे हैं कि भैया ऑनलाइन ही देंगे हम एग्जाम, किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए ऑनलाइन ही देंगे एग्जाम. अब क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन तो हो नहीं सकता क्योंकि टीचर वगैरह बोल देंगे कि ऑफलाइन देना पड़ेगा ना, तो डेट शीट वगैरह भी आ गई है. अब जैसे कोई अक्स है स्टूडेंट, उसका एग्जाम है 28 तारीख से. ओके, आज मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ 22 को. अब जो अक्स स्टूडेंट है वो अपने दोस्तों को जो भी X1, Y1, Z1 है तो उनके साथ बैठ गया, भाई ऑनलाइन ही देना है, तो वो जस्ट ट्राई कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही देंगे, लेकिन हो सकता है वो भी जाए या फिर ना भी रहो. ठीक है, तो आप सभी का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. और ऑनलाइन इज गुड और बैड, तो यार मैं अगर बात करूँ ऑनलाइन एग्जाम की तो मेरे को एटलीस्ट 2 साल हो चुके हैं इंजीनियरिंग करते हुए. ओके, और मैं अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो जस्ट ऑनलाइन के चक्कर में अभी तक तो ये भी नहीं पता कि व्हाट इज मोटर क्या होता है, एयरक्राफ्ट क्या होता है, जो है मशीनें कैसे वर्क करती है. ओके, एरोडायनेमिक्स कैसे वर्क करता है, हाउ इट इज एम्प्लीफाइड, इंटेंसिव कहाँ पे, कैसे, क्यों, कहाँ, कुछ नो आइडिया अबाउट इट. ओके, जीरो खत्म ब्लास्ट फ्लो, ठीक है, ये है ऑनलाइन का सिस्टम. और अब ऑनलाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन का तो एक ही मोटिव है बस अच्छे मार्क्स लाना. तो अच्छे मार्क्स का लाके एक ऑप्शन हो सकता है कि अपनी डिग्री को रख सकते हो. ओके, और जस्ट अगर तुम्हें कुछ वैसे तो ये भी ऑप्शन है कि 5-6 दिन बचे तो वैसे ऑनलाइन अगर हो जाए तो अच्छी बात है. ठीक है, मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं ऑनलाइन का क्या सीन है, क्या ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा,
ठीक है बच्चों। देखो यार, ये ऑनलाइन का जो सिस्टम है ना, ये यहाँ से उठ के आया। जैसे कि मैं कभी कॉलेज नहीं जाता हूँ, मान लो, ठीक है, जाता हूँ मैं हमेशा, एक भी छुट्टी नहीं करता वैसे। मान लो अगर मैं कॉलेज नहीं जाता, घर से क्लासे ले रहा हूँ, टीचर वगैरह बोर्ड पे मोबाइल वगैरह अपना लगा के, कैमरा लगा के गूगल मीट पे अपनी क्लासे दे रहे हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने ये डाला है कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। मतलब डाला नहीं है, उनको डालना है, ऐसी मतलब सिचुएशन बन रही है, और ऑलमोस्ट अगर ऐसा भी हो रहा है। और जब ऑफलाइन क्लास से कंडक्ट का नोटिस आया था सितंबर वगैरह में, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा मैं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी ने ये कहा था कि आप जस्ट क्लासे ऑफलाइन लगा सकते हैं, ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। ओके, तो कुछ बच्चे, 99% बच्चे आ जाते हैं कॉलेज में, कुछ बच्चे घर पे बैठे रहते हैं, तो वो बच्चे ऑनलाइन लगाते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। और अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो लोग क्या करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अब या तो स्ट्राइक करनी है तो इतनी खतरनाक करो कि यूनिवर्सिटी को करना ही पड़े। अगर आप धीरे धीरे कर रहे हो कि ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए, अपना टाइम खराब ना करें, अगर स्ट्राइक ही करना है तो जस्ट फुल जमकर स्ट्राइक करें, ठीक है, यही कहना चाहूंगा। अगर अगर स्ट्राइक करना ही है तो फुल जमकर स्ट्राइक करें, मतलब ऐसे धीरे धीरे बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सो एंड ऑफलाइन, अब सेकंड ऑप्शन रहा ऑफलाइन का। अब ऑफलाइन में क्या हो सकता है, अब ऑफलाइन में तो मतलब अच्छे मार्क्स तो नहीं आने वाले, टीचर वगैरह आएंगे क्लास में, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन दे सकता हूँ जिससे तुम्हारा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आजकल एक चॉकलेट आता है डेयरी मिल्क, अब डेयरी मिल्क के आपको कुछ एडवांटेज बता सकता हूँ। डेयरी मिल्क इज वेरी गुड प्रोडक्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। डेयरी मिल्क से आप गर्लफ्रेंड बना सकते हो, टीचर को इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों को खिला सकते हो, अपने छोटे बच्चों को खिला सकते हो, ठीक है। तो आप जस्ट डेयरी मिल्क चॉकलेट परचेज करें, और जैसे ही आपका एग्जाम होता है एग्जाम होता है, ठीक है, तो जो भी आपके टीचर आते हैं उनको खिला सकते हैं, उनको बोल सकते हैं हैप्पी बर्थडे सर, ठीक है, तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। अब मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे अच्छे मार्क्स जरूर आ सकते हैं, वो आपको दुआएं देंगे कि आपके आप पास हो जाएं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आप डेयरी मिल्क चॉकलेट खिलाएं टीचर्स को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास वालों को। और एक लास्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जस्ट अगर आपके पास सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं और आपके पास 5 से 10 दिन बच रहे हैं, तो आप अपने आगे वाले पीछे वाले दोस्तों को सारा का सारा सिलेबस थोड़ा थोड़ा बांट के रख ले कि ये पूरा 100% मैं प्रिपेयर कर लूंगा, ये तू कर ले, ये तू कर ले, ये आप कर लो। ओके, तो ऐसे भी आपका कुछ हो सकता है। और अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर तो कोई जुगाड़ नहीं है, तो बस एक जुगाड़ भी आपके पास ऑप्शन है। और ऑनलाइन का उतना नहीं है, ठीक है, लाइफ तुम्हारी है, 4 साल के बाद आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, भाई जो ना तुमको कौन जॉब देगा, अब क्या करें, हंसी भी आती है। हम भी ऐसे ही, आप भी ऐसे ही, करे तो करे क्या, ऑनलाइन होता है तो अच्छी बात है, अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, बिकॉज आई एम ए वेरी यंग चाइल्ड, और इसके बारे में हम क्या भी डिसीजन ले सकते हैं, ये मेरा एक ओपिनियन था कि अगर ऑनलाइन होता है तो अच्छी बात है, अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो और भी अच्छी बात है। और अगर आप स्ट्राइक वगैरह कर रहे हो, ठीक है, और रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हो, तो ऐसा ना करो। ओके, अगर ऑनलाइन कराना है तो जमकर स्ट्राइक करो, अगर धीरे धीरे करो तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसकी बजाय पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, देश को संभालो। ऑफलाइन में टीचर को डेयरी मिल्क को चॉकलेट खिलाओ, मैंने तो पूरा डब्बा भर के लेके आया हूँ, सभी को एक दिन के अंदर 5 5 6 6 खिलाऊंगा, ताकि मेरे को अच्छी दवाई मिले और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो आप सभी लोग भी लाए चॉकलेट्स, ठीक है, और उसका चॉकलेट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो मेरी फेवरेट वेबसाइट अमेजोन से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो यार स्ट्राइक वगैरह कर सकते हो, ओके, और क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट में बता सकते हो कि स्ट्राइक में क्या क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी के सामने कुछ वीडियोस भी अगर आप स्ट्राइक वगैरह कर रहे हो तो मुझे शेयर कर सकते हो। नीचे एक लिंक दिया गया है, सॉरी ईमेल आईडी दी गई है, ईमेल आईडी भी आप मुझे वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है, आप जो भी स्ट्राइक वगैरह कर रहे हो और आपके क्या क्या प्लान हो सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जस्ट बहुत स्टूडेंट्स हैं तो वो बहुत आगे तक की सोच लेते हैं। आप कितना तक सोचते हैं स्ट्राइक के बारे में, ऑनलाइन एग्जाम के लिए आप क्या क्या किस हद तक जा सकते हैं, यह भी आप मुझे बता सकते हैं। आप ऑनलाइन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, और ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या आपकी जिंदगी से बर्बाद हो सकती है, योर लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, खत्म, ब्लास्ट, फ्लॉप, ऑफलाइन एग्जाम दो।